नमस्कार प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग का वीडियो नहीं आ रहा है। एक तो कि मेरे को कोरोना हो गया था लास्ट वीक में, तो 6-7 दिन हम उसमें क्वारंटीन थे। और इससे पहले हमारे एक कुक है विक्रम, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो 8-10 दिन वो ICU में थे। वो ठीक हुए तो हमको कोरोना हो गया। मेरे कोरोना के बाद अभी मेरे फादर को आप देखिए अभी हॉस्पिटलाइज हैं, और इसी वजह से हम लोग वहाँ का अपडेट नहीं दे रहे हैं। अपडेट के रूप में अगर जानना चाहते हैं तो जितनी भी अपनी गाय है अभी बछिया जो बच्चा देने वाली है 6 या 7, उन सारी गायों का हेल्थ अच्छा है। उन लोग को ट्रांजिशन फीड चालू हो गया जो कि 4 kg से 5 kg पर डे दिया जा रहा है। ट्रांजिशन फीड के अलावा उन लोग को वाइटम एच भेजा गया है यहाँ से, 20 ml पर डे पर काऊ देना है, मतलब 6 गाय हैं तो 120 ml पर डे देना है ब्याने के 5 दिन बाद तक। उसके अलावा जो ट्रांजिशन फ्रेश होता है वो बोरा भी हम लोग मंगा के रखे हुए हैं। जैसे ही गाय ब्याना चालू कर देंगी तो उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन फ्रेश यूज़ करने लगेंगे। अब देखिए बहुत लोग क्या बात है करके पूछ रहे थे। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े कि इतनी सारी अपडेट्स क्यों नहीं आ रही हैं। तो एक्चुअली हमारे फैमिली में जो है पिछले 15-20 दिन से मैं थोड़ा इन सब चीज़ों में परेशान हूँ, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स चल रही है। अब बाकी मैं भी गांव नहीं जा पाया हूँ, जो भी है वो अपडेट मेरे पास फ़ोन के थ्रू ही आ रहा है। आज मैंने बोला है कि एक 8-10 मिनट का वीडियो का एक शॉर्ट बना करके पूरे फार्म का दे दिया जाए। फार्म का अपडेट में एक और अपडेट ये भी है कि बछियों का जो है जो पुराना वाला शेड था वो पुरानी वाली जगह से खुल करके नए वाले शेड और जो स्टाफ लोग के रहने का रूम है उसके बीच में लगा दिया गया है। वहाँ पे 20 केज बन रहे हैं जिसमें 0 से 3 महीने की बच्चियों को अलग रखा जाएगा और बाकी इलाका ओपन रहेगा जिसमें फ़िलहाल के लिए 3 महीने से लेकर 9 महीने तक की बच्चियाँ रहेगी। और इधर जो है आपको 13, 13, 26 और 13, 39 बड़ी गाय मतलब मिल्किंग वाली गाय और 13 से 15 नॉन मिल्किंग गाय को रखने का शेड में इंतज़ाम हो रहा है। तो अभी के डेट में अपने पास टोटल जो कैटल हैं वो 29 है, और हम लोग का जो आगे का प्लान है 6 बच्चे आएंगे तो 29 में 6 बच्चे बढ़ जाएंगे तो 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर अक्टूबर में एक ब्यानी है, नवंबर में एक ब्यानी है, तो 36 और 37 गाय ये हो गई। उसके बाद 8 गाय का परचेजिंग का प्लान है हम लोग का पंजाब से। इस बार हम लोग फिर गाय परचेज करके लाने जा रहे हैं, तो इस बार जो भी हम लोग गाय लाएंगे वो 50 लीटर से 90 की लाएंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम लोग 50 लीटर की गाय को भी संभाल सकते हैं। और अब हम लोग को उस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हम लोग गाय खरीद के ला रहे हैं और पंजाब की गाय हमारे यहाँ ख़राब हो रही है। हरे चारे के लिए अभी हम लोग का सूडान अब अपने अंतिम चरण में है कटाई के। इसके बाद अभी जो हम लोग काटेंगे अगले 5-10 दिन में सूडान को ख़त्म करके 15 सितंबर के बाद उस खेत को छोड़ दिया जाएगा, और जो घास होगा घास के ऊपर घास को मारने की दवा छिड़क दी जाएगी ताकि अगले 15-20 दिन में खेत में से सारे घास ख़त्म हो जाए। घास ख़त्म करने के बाद गोबर का जो हम लोग के पास स्लरी है उसको खेत में पाटा जाएगा। पाटने के बाद खेत की जुताई होगी, और जुताई हो करके 25 कट्ठे में हम लोग ये मक्खन ग्रास लगा रहे हैं। 1 बीघे में अपना मतलब 1 एकड़ समझिए कि मक्खन ग्रास है, 1 एकड़ अपना बरसीम है और 1 एकड़ रिजका लगेगा। तो ये जाड़े वाली जो घास है उसमें सबसे पहले अभी 1 एकड़ 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में बोआ जाएगी, जिसका पहला फसल हम लोगों को नवंबर के लास्ट वीक में मिलेगा। उसके बाद उसके अगले दिन 15 दिन बाद 10 दिन बाद जब हमारे धान के फसल काटने के बाद धान के खेत खाली होंगे तो धान के खेत में से कुछ खेतों में जो है हम लोग रिजका और कुछ में ये लगाएंगे बरसीम। और उसके अलावा जो है अपने पास अभी फिर हमने 5 एकड़ जो है मक्के की बुआई कराई है जो बारिश के समय का होता है, मतलब अगस्त 20 अगस्त को बुआई हुई है, तो 20 सितंबर 20 अक्टूबर 20 नवंबर तक हमारे पास फिर 5 एकड़ मक्का हो जाएगा जिसका हम लोग साइलेज दाब देंगे। तो अपने पास साइलेज पूरे साल के लिए उसके बाद हो जाएगा, साइलेज नहीं घटेगा। अब बात है कि दूध का जो 700-800 लीटर का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि पैदा करना है दूध हम लोग को नवंबर दिसंबर में, तो उसको खपाएंगे कहाँ? तो देखिए पहला तो प्लान है कि अभी तो फ़िलहाल के लिए सुधा मदर डेयरी जैसी कुछ कंपनीज़ को हम लोग 300 से 400 या 500 लीटर दूध देंगे, लेकिन मेरी पटना में एक दो बड़े
कंपनीज से बात चल रही है, हम लोग जो है सीधे 2000 या 1200 लीटर दूध का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं पर डे का। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का हो जाता है तो हम लोग का दूध 48 से 50 रुपये लीटर जाएगा पटना पहुँचा के। तो जो हम लोग को कॉस्ट आएगा, अगर हम लोग 1500 लीटर 800 लीटर अपना और 600-700 लीटर मार्केट से अगर उठाते हैं, तो 1500 लीटर को पटना पहुँचाने में हम लोग को 2-2.5 रुपये लीटर खर्च पड़ेगा और उसका पैसा हम लोग को एक जगह से ही सारा मिल जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए इसके बाद। और जहाँ तक रेट की बात है, देखिए 32-35 रुपये पर भी, 37 रुपये का, 36 रुपये का भी अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो आई थिंक कि हम लोग ठीक ठाक सा प्रॉफिट कमा लेंगे। अब ये सारी तो बातें हो गई फार्म की जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरा कि अब इस तरीके की मैं प्रॉब्लम में हूँ कि मैं गांव अभी जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद दशहरा के बाद आपको लगातार जैसे जैसे मेरी गायें भी आएंगी वैसे वैसे आपको अपडेट मिलता रहेगा। आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वीडियो क्यों नहीं मिल रही है। सारी गायों का वीडियो हम लोग देंगे। सेक्सल सीमेन का भी रिज़ल्ट अब जो है अवेटेड है। जो 6 गाय बच्चा देने वाली है उसमें 5 गाय सेक्सल से प्रेग्नेंट है और 1 नॉन सेक्सल से प्रेग्नेंट है। जो हमारी काउ नंबर 1 है वो ABS के ब्रावो सीमेन से प्रेग्नेंट है। उसके बाद 3, 9 और 10 और 22 ये ABS हैमर के बच्चे हैं इसमें। उसके बाद एक ABS जिग है 12 नंबर के कैटल में और 26 नंबर और 23 नंबर दो गाय और है जो कि ABS हैमर के सीमन से प्रेग्नेंट है। अपने पास अभी अरमाडा ABS अरमाडा का नॉन सेक्सल सीमन का 30 स्ट्रॉ अभी हमने मंगवाया है और 20 स्ट्रॉ सेक्सल मंगाया है। तो सेक्सल का जो इस्तेमाल है वो हम लोग बछड़ियों में करेंगे और उन गायों में करेंगे जिनमें रिपीटेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं रही है। तो अगर हम लोग ये चीज़ें कर लेते हैं सही से तो आई थिंक कि हम लोग के यहाँ इस साल जो है प्रेगनेंसी जो है अगर हम लोग 80-90% जो जिस तरीके से पिछले साल अचीव किए थे वैसा करेंगे तो अपने पास फिर जून से लेकर के नवंबर तक कम से कम 40-45 गाय अगले साल ब्याने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो अगले साल से हम लोग कुछ गाय सेल आउट भी करेंगे क्योंकि अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग का प्लान है कि 45-50 गाय ही मिल्किंग वाली रखनी है, बाकी बच्चे पालना है। और फिर अगर हम लोग के पास उससे कुछ पैसे और इकट्ठे होंगे तो उसके बाद फिर अब नया शेड बनाएंगे। तो अब जो भी काम होगा वो वहाँ की कमाई से होगा। इन्वेस्टमेंट का जो भी पोर्शन था वो मैंने 2-2.5 साल में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या रीज़न है, किस रीज़न से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है। जैसे ही मैं गांव जाऊंगा आपको पहले एंड पर वीडियो मिल जाएगी और अगर आज हमको किसी तरीके से वहां से कोई वीडियो आती है तो ज़रूर कल तक मैं उसको पोस्ट करूंगा ताकि आप लोग मेरे फार्म के सारे चीज़ों से अवगत रहें और आप लोगों को सारी सूचनाएं मिलती रहें कि अपने फार्म का हालचाल कैसा है। कई लोग हमारे फार्म पे विज़िट करने आ रहे हैं, मैं उन सब से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। मैं कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस में फंसा हूँ जिस वजह से मैं आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूँ। अदरवाइज़ आगे चल के जब भी मैं फार्म पे रहूँगा आप लोग आइए, आप लोग का फार्म पे स्वागत है। आपको जानना चाहते हैं तो जानने की चीज़ें भी बताएंगे और आपको मिसगाइड करना हमारा किसी भी तरीके से ध्येय नहीं है और ना ही यूट्यूब पे गलत चीज़ों फैला करके यूट्यूब से पैसा कमाना हमारा ध्येय। हमारा ध्येय है कि आप खेती जो कि सभी लोगों ने छोड़ दिया है उसकी ओर दोबारा से लोगों को अग्रेसित किया जाए और खेती को भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सके। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी फिर चीज़ों पे डिस्कशन होगी जब हम फार्म पे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।